अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का वाइट सालन। ये चिकन का वाइट सालन बनाने में बहुत आसान है और ये बहुत फटाफट से बन जाएगा। आप लोग भी सालन को ज़रूर बनाइए। चिकन का वाइट सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। इसे लाकर अच्छी तरह साफ़ करके धो लिया है। ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और ये 1 टीस्पून नमक है और ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। इसकी जगह आप वाइट पेपर का पाउडर भी ले सकते हैं, यानी सफ़ेद मिर्च पाउडर। ये 100 ग्राम दही है, इसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है और ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये 1 कप प्याज है, 2 दरमियानी प्याज है, मैंने इसे छील कर कट करके उसका पेस्ट बना लिया है और ये हरी मिर्च है 6 से 8, ये तीखी वाली हरी मिर्च है और ये हरा धनिया है 1/2 कप, इसे मैंने अभी काटा नहीं है और ये क्रीम है, ये घर की मलाई है, ये 4 टेबल स्पून मलाई है। आप चाहो तो अमूल का क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं 4 टेबल स्पून। कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगी ताकि हमारा चिकन फीका नहीं लगे। और इसे अच्छी तरह पलट कर फ्राई कर लूंगी। देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए। देखिए चिकन का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है और चिकन भी लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल और शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और प्याज का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और प्याज को हमें बहुत अच्छी तरह भूनना है और इसका पानी पूरा अच्छी तरह खुश करना है। हम इसे थोड़ा ढककर भूनेंगे। देखिए प्याज ने भी अपना पानी खुश कर लिया है और ऑयल ऊपर आने लगा है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून और इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे कि अदरक लहसुन की कच्ची महक ख़त्म हो जाए। तब तक हमें भूनना है। मैंने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर दिया है ताकि हमारा ये जो मसाला है बहुत अच्छी तरह भून जाए और नीचे लगे भी नहीं। अब मैं इसे ढककर थोड़ा भून लूँगी। ये देखिए भून चुका है मसाला। अब मैं इसमें काली मिर्च और जो बचा हुआ नमक था वो शामिल कर दूंगी। ये 1 टीस्पून नमक में से मैंने पहले 1/2 टीस्पून नमक चिकन में फ्राई करते वक्त शामिल किया था और 1/2 अभी। और अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। दही को हमें अच्छी तरह भून लेना है। देखिए दही भी भून गया है। अब मैं इसमें जो हमने फ्राई किया था चिकन वो शामिल कर दूँगी। और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। चिकन हमारा हाफ गल गया है, अभी हमें इसे और थोड़ा गलाना है, इसलिए मैंने इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर दिया है ताकि चिकन भी हमारा गल जाए और ग्रेवी भी बन जाए। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी और इसे ढककर पकने दूंगी।
ये देखिए हमारा वाइट सालन बनके तैयार हो गया है। ऑयल कितने अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। आप इसमें जितना चाहो उतनी इसकी ग्रेवी रख सकते हो, पर इसकी ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी थिक होनी चाहिए। अब मैं इसमें मलाई शामिल कर दूँगी। ये थोड़ी सी मलाई मैंने बचा ली है क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा थी, मैं इसे गार्निशिंग के वक्त इस्तेमाल करूँगी। और अब मैं इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने दूँगी स्लो फ्लेम पे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्च शामिल कर दूँगी कट करके बारीक, और हमारा वाइट सालन बनके तैयार हो गया है। और चिकन भी कितना अच्छी तरह गल गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारा चिकन का वाइट सालन बनके तैयार है। आप लोग भी इस वाइट सालन की रेसिपी को ज़रूर बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ये सालन नान के साथ या चपाती के साथ या रुमाली रोटी के साथ किसी के साथ भी खाएंगे तो आप लोगों को ये बहुत मज़ेदार लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।